हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा, क्लास 9 का हम लोग ने इससे पहले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। कुछ बाकी रह गया है, जल्दी जल्दी चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में जो नेक्स्ट हेडिंग आई है हमारे पास, उसका नाम है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या कह रहे हैं बेटा, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का मतलब ये होता है कि पहले हम लोग चलिए हेडिंग पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर हम लोग बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में लिखा है, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम केमिकली ज्वाइंट टुगेदर इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल कंपाउंड। ये कह रहे हैं दो या दो से डिफरेंट एटम जब केमिकली आपस में ज्वाइन होते हैं, एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन बनाते हैं। हमने आपको डिफिनाइट कॉन्स्टेंट वाला या डिफिनाइट प्रोपोर्शन, दोनों एक ही नाम है, उसका हमने आपको बताया था सेकेंड लॉ के बारे में। तो यही है, डिफिनाइट प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं, केमिकली ज्वाइन करते हैं, तो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं, इस डेफिनेशन का तो मतलब हम समझ गए, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कंपाउंड लिया, एक तरफ हमने एलिमेंट लिखा और एक तरफ हमने लिखा तीन पार्ट करके रेशियो बाय मास। हमने सबसे पहले क्या करा, तीन पार्ट करे, तीन पार्ट में कंपाउंड एलिमेंट रेशियो बाय मास। पहले में हमने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। दूसरे में लिया अमोनिया, अमोनिया को कहते हैं NH3 कहते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, H2O, HO2 मत बोलिएगा, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों कंपाउंड लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कितने कितने मॉलिक्यूल है इन सारे फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि वाटर को तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, ये तो सब जानते ही हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 होता है, ठीक है। तो कह रहे कितने मॉलिक्यूल आपस में केमिकली ज्वाइन होते हैं जो एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, वॉटर के मॉलिक्यूल, यानी कि वॉटर में कितने मॉलिक्यूल है। तो वॉटर में देखिए H2O लिखते हैं, वाटर को कैसे लिखते हैं, H2O। तो H2O में कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। H कितने हैं, दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, एक है। ये ऑक्सीजन को दो मत समझिएगा, ऑक्सीजन से पहले दो लगा है और दो के पहले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि दो हाइड्रोजन हुए और एक ऑक्सीजन, यानी कि एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन की, ये डेफिनेशन में कह रहे हैं। अमोनिया, अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, क्योंकि हाइड्रोजन H के साथ तीन लगा, तो तीन मॉलिक्यूल हुए, ठीक है। और तीन अलग डिफरेंट डिफरेंट एटम, नाइट्रोजन अलग एटम, हाइड्रोजन अलग एटम, टू और मोर डिफरेंट एटम। जब दो डिफरेंट एटम होते हैं, चाहे वो वाटर हाइड्रोजन हो, चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन, ये दो डिफरेंट एटम है, ठीक है। जब केमिकली आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड, देखिए मॉलिक्यूल कंपाउंड बना है, ठीक है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो एलिमेंट, अब वाटर में एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, वाटर किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा, ठीक है। फिर अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, कितने एलिमेंट मिलके बने, N और H, सर तीन भी तो, अरे वो मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स हैं ये दिखा रहा है, लेकिन बना किससे है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। वो तो नंबर है कि कितने हाइड्रोजन है एक्चुअल में, जब कंपाउंड वगैरह बनाते हैं भी आप सीखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है, कार्बन और ऑक्साइड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन होगा, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने लिखा यहाँ पे रेशियो बाय मास, तो इसका रेशियो क्या होगा, हमने लिखा 1/8, सर ये 1/8 कैसे आया, कुछ नहीं, देखिए 1/8 ऐसे आया, मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, नहीं यहां बता दे रहा हूं, ठीक है, यहां बता रहा हूं 1/8। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, वाटर का होता है 18 होता है। इसका पूरा अगर देखेंगे तो वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है एक, हाइड्रोजन का होता है दो, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट है कितने, यहाँ पे कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने, यहाँ पे दिए दो, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितने हैं, ऑक्सीजन का है
ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 18 आया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? H2O, तो यहाँ पे हो गया 1। हाइड्रोजन एक ही है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप रेशियो में लिखेंगे, सिंपलस रेशियो में जब लिखेंगे आप, तो कितना लिखेंगे? 1। और ऑक्सीजन का कितना आएगा? 8। तो सर ये 1/8 आया कैसे? अरे 1/8 आने का मतलब ये है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 होता है। कैसे? हाइड्रोजन है 1, तो 1 लिखा। अब इससे कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं? 2। तो यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिखा। ऑक्सीजन होता कितना है वैसे? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8। तो उसका मास कितना होगा? मास कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? 8। और मास नंबर कितना होता है उसका? 16 होता है। तो रेशियो बाय मास में जो हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे, थोड़ा सा हिल गया था, ठीक है, तो कितना होता है? 1:8। कैसे आया? यहाँ पे क्या बता रहे थे? कितना होता है मॉलिक्यूलर मास वाटर का? कितना होता है? 18। ये तो हमें मालूम है, ठीक है। अब छोड़िए इसको, छोड़िए, हटाइए इसको, हटाइए। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। वैसे तो 2 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं इसमें, लेकिन इसका एक एएमयू कितना होता है? आरएएम हम लोगों ने पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 1 एएमयू होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। देखिए हम यहां पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। वॉटर, वॉटर क्या है? H2O। कितने हैं इसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल? 2। तो चलिए 2 लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। मास नंबर पूछ रहा है, मास नंबर कितना होता है? 16। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे लिखेंगे? डिवाइड करके, 2 1 2 8। तो आ गया 1:8, 1:8 आ गया, ठीक है। अमोनिया का क्या है? NH3। NH3 को लिखते कैसे हैं? N:3। नाइट्रोजन का मास जितना है होता है कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 3। होता 1 है, लेकिन जब लिखेंगे तो हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल है? 3 दिए हैं, तो 1 होता है, तो 1 × 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही तो आएगा भैया, भूल गए क्या? चलिए फिर से बता दे रहे हैं आपको, याला भी देख लिए यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 14, ठीक है। नाइट्रोजन का मास होता है 14। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने दिए? 3, तो यानी कि 1 × 3 कितना हो गया? 3। तो कितना आ जाएगा? 14:3 आ गया। बस कुछ नहीं करना होता है, जितने मॉलिक्यूल लगे हैं उससे भी मल्टीप्लाई करना होता है बस। कार्बन डाइऑक्साइड C:O, कार्बन का मास 16, ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16। सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे तो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 12/16 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 6 2 8 2 3 2 4 3:4। देखिए 3:4 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब चलते हैं आयन किसे कहते हैं, व्हाट इज आयन, ION। तो इसमें पहले मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पेशीज, the charged species are known as ions। इसे कहते हैं ions। ions का मतलब सिर्फ इतना समझिए बेटा कि कभी भी जब हम लोग फॉर्मूले लिखते हैं NaCl, K2SO4, H2SO4, HCl, ये सारे चीजों के ऊपर जो प्लस माइनस लिखा रहता है उसी को ions बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे NaCl है, मान लिए NaCl, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, हमने लिखा HCl, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। ये धीमे धीमे आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक ये कौन से हैं, ये हमारे नॉन मेटल होते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, ये हमारे हाइड्रोजन है पॉजिटिव है, एक होता है मेटल एक होता है नॉन मेटल, हमने आपको बताया था। अगर नहीं समझ में आया पीछे प्रीवियस लेक्चर देखिए। आयन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर जो बनते हैं जो कंपाउंड बनते हैं मेटल नॉन मेटल से और उनके ऊपर चार्ज होते हैं
और उस चार्ज की स्पेशीज को हम लोग कहते हैं आयंस। आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज पाए जाते हैं किसी भी कंपाउंड पे, कंपाउंड यानी कि एक बड़े से फॉर्मूले पे। अब देखिए टाइप्स ऑफ आयंस कितने तरीके के होते हैं, एनसीईआरटी में तो पूरे पैराग्राफ में लिखा है, हम आपको अलग अलग तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली आयन, पॉजिटिवली आयंस होता है, और एक होता है निगेटिवली आयंस होता है। जिसके ऊपर निगेटिवली आयन होता है उसे बोलते हैं कैटायन, निगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर निगेटिवली चार्ज होता है उसे बोलते हैं कैटायन। सॉरी ये गलत हो गया, ये अलग अलग हो गया, ठीक है, पॉजिटिवली है, पॉजिटिवली का मतलब हुआ कैटायन, ठीक है, और यहां होगा एनायन, ठीक है, एनायन का मतलब होता है निगेटिव, गलत लिखा था सामने, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक सही को पकड़ ली, आगे नहीं गए। तो यहां पे हुआ हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटा उसे बोलते हैं कैटायन, और जो निगेटिवली चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, जो निगेटिवली चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात समझे, इतनी बात समझ गया आप लोग। अब सुनिए हम एक आपको बात बताने जा रहे हैं, अब जो देखिए बेटा हम यहाँ पे आपको बात बताने जा रहे हैं, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, अब एक चीज नोट करिएगा बेटा, देखिए एकदम सही शायद फिट बैठ रहा है ना, क्लोजअप आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज सुनिए, जो पॉजिटिवली आयन होते हैं उसे कहते हैं कैटायन, और जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें कहते हैं एनायन कहते हैं। एनायन पे होता है हमारा निगेटिवली चार्ज और कैटायन पे होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, समझ गए। आयन क्या होता है, डेफिनेशन समझे, दो तरीके के होते हैं स्पेशीज, ठीक है, जिसपे प्लस माइनस हो समझ लीजिएगा। मेटल नॉन मेटल किसे कहते हैं, इससे पहले भी हमने आपको बताया फिर भी बता दे रहे हैं, देखिए एक होता है नॉन मेटल एक होता है मेटल, इधर उधर हमने कर दिया, ठीक है, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में चार पांच छह सात इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आउटर मोस्ट शेल में यानी के ऐसे वाली जो शेल बनती है के एलिमेंट वाली, इस वाली शेल के बाहर वाले शेल में, बाहर वाले शेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल बोल दो, वैलेंस शेल बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, वैलेंस शेल बोलो, आउटर मोस्ट शेल बोलो, ऑर्बिट के बाहर वाली शेल बोल दो, जो बोलना हो, उसके बाहर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 4, 5, 6, 7 नॉन मेटल में, जिसके पास नॉन मेटल में जिसके पास 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं, और जिनके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में उसे मेटल कहते हैं। मेटल का मतलब होता है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली का मतलब होता है कैटायन, ठीक है, और नॉन मेटल यानी कि निगेटिवली चार्ज यानी कि एनायन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल बताइए कि किसमें 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे, ऐसे कौन से एलिमेंट है, एक हो गया क्रोमियम, एक हो गया नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन। क्रोमियम के वैलेंस शेल में बाहर वाले शेल में कितने होते हैं, क्रोमियम में होता है 2.4 होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एक्सेप्शन होता है, एक कॉपर का भी एक्सेप्शन होता है, अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी इतना नहीं लिखा है आपने, ठीक है। लास्ट वाले शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है बेटा 24 होता है, जब 24 को आप डिस्ट्रीब्यूट करके के एलिमेंट में बांटोगे 2, 8, 18 ऐसे वाला फॉर्मूले में जब बांटोगे तो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4 आएगा। 4 आने का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस शेल, या इसको वैलेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, वैलेंसी या वैलेंस शेल भी बोलते हैं, तो इसी को कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं। और मेटल किसे कहते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में बाहर वाली शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आए, कौन कौन से एग्जाम्पल बताइए, जैसे सोडियम का एग्जाम्पल होता है, ये बताऊंगा क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम्पल है तो ये बताऊंगा, अभी क्रोमियम तक की नहीं पहुंचेंगे आप। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, अगर आप के एलिमेंट में सजाओगे तो ये आएगा हमारे पास 2, 8, 1, क्योंकि हमें 11 ही तक के लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाउसबॉक प्रिंसिपल में क्या बताया गया था, फॉर्मूला होता है 2, 8, 18, 32। अब उसके अंदर आपको जो एटॉमिक नंबर दिया है उससे आप सारे एलिमेंट को, सारे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लो, तो हमें 11 लेना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2, 8, 1, तो देखो लास्ट वाले शेल में हमारे पास क्या आया, 1 आया, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि ये मेटल है। ऐसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12,
12 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे के 11 में, तो पहले लिखेंगे के में आएंगे 2, एल में आएंगे 8, एम में आएंगे 2। देखो 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या होता है, 13 होता है, तो एक बढ़ जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 आने का मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेटल और नॉन मेटल में बेटा ये डिफरेंस है। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आपको इससे पहले वाला लेक्चर मेरा देखना होगा, तो ये नोट करिए, आगे बताए फिर हम आपको। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग के पास आया है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को बड़े बड़े जो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने हैं वो कैसे बनाएंगे। जैसे आप देखते नहीं है H2SO4, CrO3, HCl, NaCl, K2SO4, CCl4, ये सब कैसे बनते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। इन सब को पढ़ने के लिए, इन सब को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चार्ज, वैलेंसी, इनके एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें याद करनी होगी। तो अभी फिलहाल आपके लिए हमने क्लास 9 के लिए जो छोटे मोटे, इससे पहले भी हम ये चीज बता चुके हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। कहने का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि सिंबल बना के दिखाते हैं। NaCl, KCl, Na क्या है, एक सिंबल ही तो है, किसका है, सोडियम का है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। पोटेशियम का K, कैल्शियम का क्या होता है, Ca। पोटेशियम का K होता है, ठीक है। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, कॉम्पोजिशन दिखाता है, जिसको मिला के डिफरेंट एटम मिलते हैं, जिनको एक केमिकली ज्वाइन होता है और एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे बेटा वैलेंसी लिख रही है ऑलरेडी, आप देखिएगा, हाइड्रोजन की +1, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1, कैल्शियम की +2, बेरियम +2, Mn +2, Mg +2, Zn +2, एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3, कार्बन +4, हाइड्रोजन -1, Cl -1, Br -1, आयोडीन -1, ऑक्सीजन -1, सल्फर -1, -2, ऑक्सीजन सल्फर -2, नाइट्रोजन -3, कार्बन -4। देखिएगा कुछ चीजों में हमने अंडरलाइन करी है, एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है, एक बार हाइड्रोजन हमारा -1 में है। वो इसलिए किया क्योंकि ये एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन अभी तक की हमें नहीं मालूम है कि वो मेटल है या नॉन मेटल में है, कहीं भी पूछा जा सकता है। कार्बन यहाँ पे है हमारा क्या है, +4 है, और यहाँ पे -4 है, ये कब लेना है सर, अगर हम बड़े कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि +4 वाला ले या -4 वाला ले। अगर नहीं पता चले तो कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करिएगा कि जो आप कोई फॉर्मूला बड़ा बड़ा बना रहे हैं अभी बताएंगे, तो उसके बगल वाला एलिमेंट कौन सा है। अगर कार्बन से पहले जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एलिमेंट मिल रहा है वो पॉजिटिव में होगा तो निगेटिव वाला उठाना, अगर वो निगेटिव वाला होगा तो पॉजिटिव वाला उठाना, अगर हाइड्रोजन से पहले कोई चीज हमको मिल रही होगी वो पॉजिटिव में होगी तो निगेटिव उठाएंगे, अगर निगेटिव में कोई मिल रहा होगा तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे। बस ऐसे समझना है, ये कार्बन माइनस और कार्बन फोर, हाइड्रोजन माइनस, हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन -1, हाइड्रोजन +1, क्या करते हैं, कैन नेदर बी गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ना ही ये गेन करते हैं ना ही लूज करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, ना लेते हैं ना देते हैं, सिर्फ शेयरिंग करते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे कि कहेंगे हम अपने इलेक्ट्रॉन पास रखेंगे, देंगे किसी को नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ ली तो हमसे शेयर कर लो। शेयर का मतलब दे नहीं देना, शेयर का मतलब कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक ही कंपाउंड है, अब ये इनके इलेक्ट्रॉन तो ये है, देखिए ऐसे ये हमारे पास भाई साहब हैं, इनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन इनके पास है 2, ठीक है, इस भाई साहब के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना देंगे नहीं, ये क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे शेयर कर लेंगे, कहेंगे मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक तुम्हारे पास है, ठीक है, कहेंगे काम करो तुम्हारे पास एक, इनके पास एक को भी नहीं है, तो ये अपना अपना शेयर कर लेंगे, तो यहां से ये शेयरिंग कर लेंगे, दे रहा नहीं है शेयर कर रहा है, ठीक है, इतनी बात समझे। तो अब ये हम रफ करते हैं, हम आपको बताते हैं जो मेन पॉइंट है आपका एनसीईआरटी में पूछा है। तो पहला क्वेश्चन आता है H2O, ये H2O बना कैसे, हमें कैसे पता चला ये H2O ही होगा, HO2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, मास नंबर भी 1 ही होता है, तो 1 हुआ, जो 1 होता है, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं।
हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1+1, लिखा नहीं है प्लस लेकिन प्लस 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है कितना होता है ऑक्सीजन का, 8। तो 8 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे आएगा, 2, 4, ठीक है, (2). लास्ट में कितना आया, 2 आया। 4 और 2 कितने हुए, 6। 6 और 2 कितने हुए, 8 हुए। तो 2 आया, तो जो 2 आया था उसको बोलते हैं वैलेंसी। लास्ट वाले में कितने, तो वैलेंसी लिखने का अगर आपको तरीका नहीं पता तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रट लो। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होगा उसको के एलिमेंट में शेल में डिवाइड कर देना, बांट देना, देखना सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन सा बचा है। इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब ये हम बता रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो हमने 8 लिखा था, 2, 4, 2, तो ये लास्ट वाला जो बचा था 2, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे। आप 2 बोलोगे तो चलेगा, लेकिन जब बड़े क्लास में जाओगे तो जल्दी जल्दी बोलेंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या, 2 का मतलब वो 2 आपकी गिनती जो बची है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट चल के तो देखो 2 यहां लिख दिया तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, ठीक है। कौन सी है, -2 है। ये हाइड्रोजन लिखा इधर, इधर ऑक्सीजन लिखा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, +1, ऑक्सीजन की कितनी थी, -1। अब इसकी वैलेंसी इससे ले लो और ऑक्सीजन वैलेंसी हाइड्रोजन की ले लेगा, हाइड्रोजन वैलेंसी ऑक्सीजन की ले लेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वैलेंसी ले लेगा। तो H मिलेगा 2 से तो 2 आएगा और ऑक्सीजन 1 से मिलेगा तो 1 लिखा नहीं जाता, H2O बन गया आपका, ठीक। अब मैग्नीशियम क्लोराइड आया, MgCl2, तो हमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं, ये रफ वर्क है आपका। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2, 8, 2, यानी कि लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 2 बच रहे, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2, ठीक है। अब Cl आ गया, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। 17 को बांटेंगे तो 2, 8, 7 आएगा, तो यानी कि 7 आया लास्ट वाले में, तो यानी कि 7 आया। अब 7 आने का मतलब ये नहीं कि 7 उठा के लिख देंगे, अब ये कह रहे हैं इनको कितने ऑक्टेट, कब कंप्लीट होती है हमारी ऑक्टेट, होती है कंप्लीट जब 8 इलेक्ट्रॉन हो, जब हमारे इस वाले शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं पूरी ऑक्टेट कंप्लीट है, अब इसको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 7 है, तो कह रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 1 ले लो, तो -1 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने Cl की वैलेंसी -1 लिखी। होता है ना, कोई बड़ा चीज है किसी के पास बड़ी, मान ली हमारे पास 10 रुपए है, आपके पास मान ली हमारे पास 9 रुपए है, आपके पास 1 रुपए है, ठीक है। हम कहें, आप कहेंगे क्या अपने 9 रुपए हमको दे दो, हम 10 हो जाएंगे। हम कहेंगे आपसे कि भैया मैं 9 हूं ऑलरेडी, आपके पास 1 है, आप हमको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं ज्यादा हूं तो मैं मांगने का हक रखता हूं, मैं आपसे ले लूंगा। तो वैसे ही यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, कमी सिर्फ 1 की है। क्यों 1 की है, क्योंकि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होंगे तो ये ऑक्टेट, ये शेल, ये ऑर्बिट कंप्लीट होती है 8 इलेक्ट्रॉन पे, तो 1 की कमी है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा रहेगा 1 दे दो। तो 1 लेने के लिए इसको वहां पे -1 वैलेंसी लिखेंगे, अब 7 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कमी 1 ही की है, तो -1 लिखा। तो Mg लिखा, Mg की वैलेंसी +2, Cl लिखा, Cl की -1। अब Mg ले लेगा Cl की वैलेंसी तो 1 आ गया, ठीक है। Mg 1 लिखा, Cl Mg की वैलेंसी ले लेगा तो 2 हो जाएगा। अब 1 को गिना नहीं जाता तो MgCl2 बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तरीका होता है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूले, बड़े बड़े फॉर्मूलों को लिखने के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर जानिए, एटॉमिक नंबर के बाद के एलिमेंट में सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए, लास्ट में जो हमारी वैलेंसी बचती है उसी को तो वैलेंसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है कैसे, CaOH क्यों बनता है, OCa क्यों नहीं बनता, तो चलिए देखते हैं पहले कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। 20 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे
बी इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे सी ए में तो ये हो जाएगा 2, 8, 2। गिन लो, काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे 8, 8, 16, 16, 4, 20। यानी कि लास्ट वाले में दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो वैलेंसी कैल्शियम की हो जाएगी 2+2। ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी -2। देखिए लिख भी दिया है हमने यहाँ पे, अगर उधर ना समझ में आया ऐसे निकालना तो ऐसे रट भी लिया करो, वैलेंसी को ऐसे रट लो कि वैलेंसी हमें याद रहे। तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई हमारे पास -2। अब ये +2, ये -2, सीए लिखा, इसके साथ ओ था ओ लिखा, सीए की वैलेंसी +2 थी तो उसके नीचे सीए के नीचे +2 लिखा, ऑक्सीजन की -2 थी तो ऑक्सीजन के नीचे -2 लिखा, कैल्शियम ले लेगा ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन ले लेगा कैल्शियम की, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो सीओ बन जाएगा। सर एक काम करते हैं, ये यही क्यों बना, ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऐसे क्यों नहीं बना कि Ca2 O2 ये क्यों नहीं बना। तो देखिए लिखा भी है, सो इफ वी राइट, अगर हम ऐसे लिखे Ca2 O2 ऐसे नहीं लिख सकते, ये फॉर्मूला नहीं बन सकता, ये भी हो सकता है लेकिन उसके लिए भी हमें फॉलो करना पड़ेगा HCl, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका सबसे कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कौन सा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा, तो 2 लिखा, तो 2 1 2 1 2, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो Ca2 O2 को ऊपर लिखा और कितना कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो नीचे यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, ये 2 से 2 मरा, ये 2 से 2 मरा, बचा गया CaO आ गया। ठीक, आई होप समझ में आया आपको। बस HCl में हाइड्रोजन की हाइड्रोजन +1 -1, सर कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना माइनस वाला लेना है, तो बगल वाला एलिमेंट देखो कि Cl किसमें आता है, Cl आता है माइनस में, Cl -1 आता है, तो इसका मतलब अगर ये बगल वाला -1 है तो हमें हाइड्रोजन ऑलरेडी पॉजिटिव वाला लेना होगा, तो यहाँ लेंगे H+ वाला, देखिए लिखा भी है ऐसे लिखा है, तो H+ और Cl क्या था -1, तो ये हाइड्रोजन और Cl लिखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 तो +1 लिखी, ठीक है, क्लोरीन की -1 तो -1 लिखी, अब हाइड्रोजन ले लेगा क्लोरीन की वैलेंसी और क्लोरीन ले लेगा इसकी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, HCl आ जाएगा इस, ठीक है। H2S कैसे बना, ये H2S ही क्यों बना, H2H क्यों नहीं बना, तो भैया पहले इसलिए ये बना, ये फॉर्मूला इसलिए बना, ऐसे बना कि वैलेंसी देख लो, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है +1, सर प्लस वाली लिखी है माइनस वाली, तो उसके बगल वाले आइटम देख लो, सल्फर क्या है, सल्फर है, सल्फर -2 में है, तो इसका मतलब ये माइनस में है, तो बगल वाले को प्लस लेना होगा, अगर कोई इसके बगल में माइनस होगा तो प्लस लेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस लेंगे। वैलेंसी क्या होगी हाइड्रोजन की 1 लिखा, वैलेंसी ऑफ सल्फर -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फर की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया H2 और ये S1 लिखते नहीं है, 2H2S हो गया, ठीक है, इसको नोट करिए फिर जल्दी से। अब देखिए बेटा आप लोग के क्वेश्चन आंसर आए हैं, क्वेश्चन आंसर में आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिएगा क्या लिखा है, राइट डाउन द फॉर्मूला, अभी मैंने आपको निकालना सिखाया कि कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर पता हो तो सबकी वैलेंसी लास्ट में कितने शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट शेल में वो उठा के लिख दो और सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला भी बताया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आया है कि ये बताइए इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, लिखा है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का मतलब होता है हमारे पास सोडियम का सिंबल होता है Na ऑक्साइड O, तो Na2O आप निकाल के देखना, ठीक है, अब ऐसे समझ जाओगे या धीमे धीमे जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद पे खुद याद हो जाएंगे, जब बीच में आप रहोगे केमिस्ट्री के तो धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Na2O है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम को कहते हैं Al, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, वैलेंसी दोनों की एक्सचेंज करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में Cl3 आएगा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, नॉट सल्फेट, सल्फाइड है IDE, सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड S, Na2 आएगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, ठीक है, दोनों के एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है, वैलेंसी मैंने निकालना दिखा दिया, सोडियम सल्फाइड को क्या लिखते हैं Na2S लिखते हैं,
फिर भैया हमारे पास आया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आप लिखना है Mg, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। हाइड्रोक्साइड को जब बेटा लिखते हैं तो OH को हम प्राइमरी स्टेट में नहीं लिखते। प्राइमरी का मतलब होता है जैसे कि हम हाइड्रोजन को H नहीं लिख सकते, H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O नहीं लिख सकते, O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N नहीं लिख सकते, N2 लिखते हैं, वैसे हाइड्रोक्साइड को OH का होल ट्वाइस आएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई वैलेंसी वगैरह लिख के करोगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आया है, ये तो फॉर्मूले लिखने थे, फॉर्मूले लिख लिए। अब पूछ रहा है जो हमने नाम लिखे हैं उनको इन वर्ड्स में लिखो। पहले फॉर्मूले दिए थे, पहले इन वर्ड्स में दिए थे, उसको फॉर्मूले में बदलना था। अब इन वर्ड्स में दिया है, अब फॉर्मूले में दिया, इन वर्ड्स में लिखना है। Al2SO4 का होल थ्राइस, तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2 क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। अब आया K2SO4, K को कहते हैं पोटेशियम, SO4 को सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। KNO3, K को तो पोटेशियम ही कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना वगैरह देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें इसके नाम है, लकब है इसके। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन आ गया बीच में NCERT में, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लिखा होगा, पूरा नहीं लिखा हमने, लिखा है राइट द व्हाट इज डिफाइन केमिकल फॉर्मूला। अभी बताया मैंने राइटिंग केमिकल फॉर्मूले में कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, द कंबाइनिंग पावर कैपेसिटी। ठीक है, एक कंबाइनिंग पावर जब होती है दोनों की, दो एटम्स की आपस की बीच की वैलेंसी, उसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूले का मतलब होता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम बड़े बड़े कंपाउंड को उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम उसको मल्टीप्लाई वगैरह SCF वगैरह निकाल बोल के हम बता देते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। ना समझ में आए NCERT में देख लेना आपने। ठीक है, ये लिखी होगी, हमने आधी लिखी है, इतनी भी लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने, छोटा सा क्वेश्चन था। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, हमारे पास एक बड़ा सा एलिमेंट, एक कंपाउंड है, उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है? एक दिया है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, PO4 फॉस्फेट आयन दिया है, तो H2S में कितने एटम है? H कितने हैं? H है हमारे, H के साथ दो लगा तो दो है। ठीक है, H कितना है? एक, तो टोटल कितने हो गए? तीन, तो देखो तीन आ गया हमारा। PO4 में फॉस्फोरस, PO4-3 कितना है? P कितने है? एक है। ऑक्सीजन कितने हैं? चार है, तो 4+1=5। अरे बाबरे सर, आपको तो मैथ आती है। ठीक है, 5 हो गए। बस इसमें इतना ही था कि एटम्स पूछे थे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये आपने बता दिए। तो चलिए इसको नोट करिए, अगले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।